बार श्री हनुमान जी को घमंड आया। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, मेघनाथ ने मारी, लक्ष्मण जी मूर्छित होके पड़े थे, तब हनुमान जी पहाड़ लेकर, पर्वत लेकर जा रहे, संजीवनी लेकर जा रहे थे। तो हनुमान जी को लगा, थोड़ी देर में विचार आया कि यदि मैं ना होता तो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती, यदि मैं, क्योंकि मैं ही समय से पहुंच पाऊंगा, वरना दूसरा तो कोई है नहीं। तो हनुमान जी ये सोच ही रहे थे कि मैं ना होता तो लक्ष्मण जी मर जाते, तभी हनुमान जी को बाण लग गया। ये सोच ही रहे थे श्री हनुमान जी के, तभी हनुमान जी को बाण लग गया। बाण किसने मारा? बाण किसने मारा? बाण किसने मारा मैया? हनुमान जी को बाण किसने मारा था? जब वो पहाड़ लेके जा रहे थे, शक्ति हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेकर, तो रास्ते में किसी ने बाण मारा, आप बताइए किसने मारा था? हाँ, किसने मारा? किसने? भरत जी ने बाण मार दिया। और जैसे ही भरत जी ने बाण मारा, राम राम कहकर श्री हनुमान जी जमीन पर आए। अच्छा, हनुमान जी जमीन पर आए, पहाड़ जमीन पर नहीं आया था? पहाड़ भी जमीन पे आ जाता तो अयोध्या में वो लोग, सेना लोग दब के मरना जाती? तो पहाड़ नीचे नहीं आया। फिर आप कहेंगे पहाड़ कहां था? उसे हनुमान जी के पिता श्री पवन देव ने थाम रखा था ऊपर, वो हवा पे ही लटका रहा ऊपर। पिता है ना पवन देव, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, पवन देव थाम रखे। हनुमान जी नीचे आए, राम राम बोले। भरत जी बोले, ये तो भक्त है, कौन हो आप? मैं हनुमान हूं, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, ये बूटी मुझे समझ में नहीं आ रही, जो पूरा पहाड़ लेके जा रहा हूं। भरत जी रोने लगे, राम राम, मेरे राम जी को इतना संकट, मेरे भाभी का हरण रावण ने किया, सेना को आदेश चलो। हनुमान जी बोले, नहीं, प्रभु ने आदेश नहीं दिया, कोई सेना की जरूरत नहीं है, आप सब यहीं रहो, सब हो जाएगा। अब भरत जी बोले, एक काम करो, आपको कितना बजे पहुंचना है? बोले, सूर्य उदय के पहले पहुंचना हो, सूर्य उदय होने वाला था। अब हनुमान जी जाते बड़ी तेजी से, तो भी हो सकता है लेट हो जाते। तो भरत जी ने कहा, एक काम करो, आप मेरे बाण में बैठ जाओ। भरत जी ने कहा, हनुमान जी कितने बलशाली हैं और वो पहाड़ कितना वजनदार होगा। हनुमान जी और पहाड़ सहित भरत जी बोले कि मेरे बाण पर बैठ जाओ। हनुमान जी मुस्कुराए, हनुमान जी को लगा भरत जी वजन उठा लेंगे हमारा। अच्छा, भरत जी बिल्कुल दुबले पतले, 14 साल खाए पिए नहीं ना, राम जी के वियोग में, जब राम जी वनवास में थे तो भरत जी क्या खाते थे, कोई बताएगा? क्या खाते थे? फल फूल नहीं, क्या खाते थे? फ्रूटी पीते थे? फल, क्या खाते थे? फल फूल नहीं, आप लोगों को जानकारी नहीं है। सुनो, फल फूल तो राम जी खाते थे, कंदमूल फल, भरत जी नहीं खाए। भरत जी की तपस्या, भरत जी का त्याग राम जी से ज्यादा है। भरत जी गाय को जौ खिलाते थे, जौ जानते हैं? जौ, गेहूं गाय को खिलाते थे, और जब गाय खा लेती थी तो फिर वो गोबर से बाहर करती थी, उस गोबर से उस जौ को, गेहूं को धुलकर, उसको धुलकर गौमूत्र पर, उसे 3-4 बार धुल लिया और गाय के मूत्र पर, गौ अर्घ पर, गौमूत्र पर उसे पकाते थे, दलिया बनाते थे उसका, उसमें कोई नमक नहीं, कोई मिर्ची नहीं, कोई मसाला नहीं, बस वो पकाए और वो भोग लगाए और वो खाते थे भरत जी। 14 वर्ष तक ये खाया है भरत जी। आपने कभी खाई गाय के गोबर से बनी हुई
जौ की वो रोटी जो गाय खाती है, जौ फिर निकलता है, फिर धो करके उसे पीस करके फिर रोटी बनाओ। आप में से किसी ने खाई कभी? हमने खाई है। आप नहीं खा सकते। खाई है हमने। कहा जाता है कि गौ की इस तरह से सेवा करने वाले को किसी को संतान ना हो रही हो तो वो ऐसा प्रकार से खाए पिए भोग लगाकर भगवान जी को और गौ माता की सेवा करे तो गौ माता की सेवा करने से गृहस्थ को संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। यदि किसी को पुत्र नहीं हो रहा हो तो गौ माता की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। भरत जी ने इसे ग्रहण किया। अब वो भरत जी कह रहे हैं मेरे बाण में आकर बैठ जाओ। अब हनुमान जी बोले कैसे बैठे, पर भरत जी के बाण पे जब हनुमान जी बैठे ना तो हनुमान जी का जो अभिमान था कि मैं ना पहुंचूंगा तो भरत जी लक्ष्मण जी मर जाएंगे, पर जब भरत जी ने बाण पर बिठाया और बाण छोड़ा तो बड़ी तेजी से हनुमान जी पहुंच गए बाण पर बैठ के। हनुमान जी समझ गए कि जिनके भक्त में इतनी ताकत है वो भगवान प्रभु राम स्वयं कैसे होंगे।